हमारी साइड रजत भाई भी है, तो वो काफी उसको आगे खड़ा करेंगे सबसे, ताकि वो सामने वाले पे थोड़ा प्रेशर बना के रहेगी। राम राम जी सभी को। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल के दिन में ना एलविस यादव की टीम और फुकरा इंसान की टीम के बीच में ना ECL स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जब इंटरव्यू में एलविस यादव से पूछा गया कि आपकी टीम में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है और आपकी टीम में बैट्समैन और बॉलर कितने हैं, तो एलविस यादव कहते हैं कि हमारी टीम में ना सभी के सभी ना ऑलराउंडर है और हमारी टीम में रजत भैया भी है, अगर ऐसी जरूरत लगी तो रजत दलाल को हम आगे खड़ा कर देंगे। तो क्या कुछ कहते हैं इंटरव्यू में एलविस यादव, आप यहाँ पे सुन सकते हो। बंदे हैं टीम में, और ये खास बात देखो मैं क्रिकेट के पीओवी से बताता हूँ, तो सारे बैटिंग करते हैं, मतलब ऐसे होता है ना टीम में कि कुछ बॉलिंग करते हैं, कुछ बैटिंग करते हैं, कुछ दो तीन ऑलराउंडर्स होते हैं, हमारे सारे ऑलराउंडर हैं। और हमारी साइड रजत भाई भी है, तो वो काफी उसको आगे खड़ा करेंगे सबसे, ताकि वो सामने वाले पे थोड़ा प्रेशर बना के रहेगी बोल बोल के, तो वो हमारी साइड में थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब स्लेजिंग हो गई प्यार से, एब्यूजिव नहीं, प्यार से स्लेजिंग होगी और थोड़े बहुत मजे लेंगे सबके, तो कुछ तो फर्क डालेंगे, ये खास बात है मेरी टीम की। इसके बाद कल के दिन में मैच है और फुकरा इंसान अभी से इंजर्ड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर एलविस यादव कहते हैं कि ओपोनेंट टीम के लिए हमने सूट सलवार मंगाया है, क्योंकि सामने वालों को ना हारने के बाद हम लोग ना उसको पहनाने वाले हैं, तो वो वाले क्लिप आप यहाँ पे देख सकते हो। कल के मैच के लिए तैयारी कैसी है? कल के मैच के लिए हमने सूट सलवार मंगाए हैं ओपोनेंट टीम के लिए। ओपोनेंट टीम के लिए, लेकिन अभिषेक के तो चोट लग गई है, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, सो ये एक तरीके से आपके लिए मतलब पॉजिटिव होगा या क्या कहना? देखो चोट लग गई तो फिर एक दो दिन बाद पहना देंगे। लेकिन आपकी टीम के अभिषेक मल्हान है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, फिजियोथेरेपी के वो सेशंस ले रहे हैं, सो ये एक तरीके से वीक पॉइंट नहीं हो गया टीम के लिए? आई डोंट थिंक वीक पॉइंट हुआ है, वो रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक कल का मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आज ओवर कुछ हो जाता है तो कल शायद परफॉर्म ना कर पाए, तो ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है। कल का पहला मैच है और आपका जो टक्कर होने वाली है वो एलविश की टीम से होने वाली है, सो क्या कहना चाहेंगे आप? एलविश तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वही जीतेंगे, आपको क्या लगता है? देखो भाई कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए, सब सारी टीम में कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे, लेकिन सबको पता है कि बैंगलोर जीतेगी। थैंक यू सो मच भाई। इसके बाद इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि बैटिंग करने के बाद ना घर पे चला जाता है, तो एलविस यादव इसके ऊपर कहते हैं कि हमारी टीम में जितने भी प्लेयर है ना सभी की जीएफ का नेम मुझे पता है, तो क्या कहना चाहते हैं एलविस यादव इसके ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपकी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे बैटिंग नहीं मिल रही, जो बैटिंग करके घर चला जाए? भाई हमारी प्लानिंग थोड़ी अलग है, हमने क्या करा है कि जो जो बैट्समैन है ना दूसरी टीम के उनकी सबकी एक्स गर्लफ्रेंड होके नाम निकाल ली, तो उनका नाम ले लेके सिलेक्ट करेंगे हम, तो आगे खड़े होके किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, कोई इमोशनल कर दिया, तो क्या पता उससे फर्क पड़ जाए। और दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग करके घर चला जाएगा जिसे पहली टीम मिलेगी? हमारी टीम में भाई इमरान को नहीं मिलेगी। वेल गाइस, तो फिलहाल के लिए तो इतने ही न्यूज थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।